हे गाइज़, वेलकम टू माय चैनल एनसीजी। मैं हूँ रोहित, एके शिरोई पैंडा। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि फ्रेंड्स, मैं इस टाइप की वीडियोस नहीं बनाता, आप तो जानते होंगे मेरा चैनल किस टाइप का है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैकिंग और फिशिंग साइट से बचने के तरीके के बारे में। और जैसे कि मैंने वोटिंग कराई थी अपने यूट्यूब में, तो उसमें जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा, हालांकि 90% वोटिंग मिली थी कि हाँ फ्रेंड्स, यस भाई, इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ 90% से अबव। तो मुझे लगा फ्रेंड्स, इस चीज़ के ऊपर जो है मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिर जैसे कि आप जानते हो, यूट्यूब में जो है पबजी से भी ज़्यादा हैकिंग चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा जो चैनल्स आजकल हैक हो रहे हैं, जिसमें से अभी रिसेंटली सबसे हुआ है वो, जहाँ तक मुझे पता है, नमोकार गेमिंग का हुआ है। और अगर आप जाते हो अब नमोकार गेमिंग के चैनल में, अगर आप सर्च मारते हो, तो आपको नमोकार गेमिंग की जगह जो है क्रेजी लाइफ नाम का एक चैनल दिखता है, और काफ़ी हर्टफुल है फ्रेंड्स। उनकी जो पूरी मेहनत है एक तरह से गड़बड़ हो चुकी है। हालांकि मेरे को लगता है कि नमोकार गेमिंग, मुझे लगता है यूट्यूबर्स और बाकी क्रिएटर्स इनकी हेल्प करके जो है इनका चैनल वापस लाने में हेल्प कर देंगे। बट इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हम, बात करने वाले हम कि आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हो। आपको मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, कुछ तरीके जिससे जो है मैं अपने आप को सेफ़ रखता हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि मेरे पे भी काफ़ी सारे स्पॉन्सर्ड मेल्स आते रहते हैं अलग अलग एडवर्टाइजिंग के, और मैं भी जो है काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहता हूँ, कॉशियस रहता हूँ इन चीज़ों से कि हाँ मैं कैसे इनसे जो है बचूं, और कैसे मैं पहचानूं कि हाँ ये लेजिट स्पॉन्सर्ड पर्सन है, स्पॉन्सरशिप जो है मुझे ऑफ़र कर रहा है, और ये दूसरा जो है फेक है और हैकर है पीछे बंदा जो मेल कर रहा है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इधर यहाँ पर दो केस बताऊँगा। फर्स्ट केस जो है वो है मेरा स्टीम अकाउंट को लेके, सेकंड केस जो है मेरे यूट्यूब अकाउंट को लेके। तो फर्स्ट केस में, जैसे कि आप जानते हो, स्टीम एक गेमिंग वो है प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारे बंदे ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं गेम्स से लेके। तो उसमें जो है काफ़ी सारे बंदे जो अपने अकाउंट हैक करवा देते हैं हैकर से या फिशिंग साइट में जाके। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं जो है यहाँ पर अपनी वेबसाइट में, सॉरी वेबसाइट नहीं, इस वेबसाइट में आया था मैं, rocketleague.com में। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग करने आया था रॉकेट लीग के आइटम्स की, जब मैंने यहाँ पर एक बंदे को ऑफ़र किया कि हाँ भी मुझे जो है ये सामान दे दो इसके बदले ये। तो बंदे ने फ्रेंड्स मुझे ना, जो ऐसा होता नहीं हमेशा, लेकिन इस बंदे ने ऐसा कुछ किया जो कि बिल्कुल अलग था। इस बंदे ने मुझे ना लिंक भेजा, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट में, इस बंदे ने मुझे भेजा कि अगर आप जो है मुझसे ट्रेड करना चाहते हो तो मेरे को ना मेरे मेन अकाउंट में ऐड करो, और वहाँ पर जाके जो है मैं आपको अपना ट्रेड कर दूँगा। तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अगर आप ये अपने मेन अकाउंट में भेजना है तो भाई इसी को लिंक करो ना वेबसाइट से, अपने फेक अकाउंट या फिर स्मॉल अकाउंट को क्यों लिंक कर रहे हो, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो इस बंदे का जब मैंने लिंक चेक किया तो यहाँ पे HTTP है। तो फ्रेंड्स, HTTP जो है फर्स्ट चीज़ है, सिक्योर वेबसाइट होता है HTTP, उसके आगे हमेशा लिखा होता है। आप फेसबुक के आगे जाओगे तो HTTPS, फिर आते हैं www.facebook.com, HTTPS www.youtube.com, ऐसी जो है सारी वेबसाइट होती है सिक्योर्ड होती है। वहाँ पे आपके पासवर्ड और ईमेल वगैरह डालते हो, सारे सिक्योर्ड होते हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो यह, ठीक है, वेबसाइट जो है सिक्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब देखोगे स्टीम कम्युनिटी, जो लिंक होता है steamcommunity.com का, इसमें देखोगे ना अगर आप ध्यान से, तो स्टीम कम्युनिटी में जो है ओ की जगह जो है जीरो है, जीरो ओ नहीं है, जीरो। और कम्युनिटी में भी जो है स्पेलिंग भी आगे जाके गलत है। तो इस चीज़ से फ्रेंड्स यहाँ पे साफ पता लग गया था मुझे, ये बंदा जो है मुझे फेक वेबसाइट बता रहा है, और वहाँ पे अगर मैं जाके आंखें बंद करके उल्टे सीधे क्लिक करता रहूँगा तो मेरा अकाउंट तो ऑफकोर्स हैक ये बंदा कर लेगा। तो मैंने तो ये चीज़ पकड़ ली। अब मैं नहीं चाहता था कि ये चीज़, इस चीज़ के चक्कर में बंदा, कोई और बंदा फंसे, कोई और इसे ट्रेड ऑफर करे और इसकी वेबसाइट बना के अपना अकाउंट इस बंदे को हैक करवा दे। तो rocketleague.com ये जो वेबसाइट है, इधर जाके मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो मॉडरेटर जो भी एडमिन वगैरह, इन्होंने इस बंदे को बैन कर दिया। यहाँ पे लिखा आई जस्ट हैव डीएक्टिवेटेड देयर अकाउंट, और ब्लैक लिस्ट जो है इसमें ऐड कर दिया। तो ये बंदा जो है हैकर यहाँ पे भी बैन हो गया। तो अब कोई और इसके पछड़े में नहीं पड़ेगा, जब तक कि नया अकाउंट ही बनाया था ऑफकोर्स। तो यहाँ पे तो ये पहला केस था। तो फ्रेंड्स, भी जब हम केस टू के बारे में बात करेंगे, जो कि है मेरे यूट्यूब के बारे में, और यहाँ पे जो है मेरे को एक मेल आया था स्पॉन्सर्स की तरफ से। तो उन्होंने मुझे कैसा मेल भेजा था कि एड ऑन योर चैनल फॉर $1200। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको जो स्पॉन्सरशिप का मेल आता है ना, कभी भी मुंह पे जो है पैसे फेंक के नहीं मारते हैं, ठीक है ना। और स्पेशली $1200 तो कभी नहीं मारते हैं, अगर आपका छोटा मोटा चैनल है मेरी तरह। अगर आप $1200 का हिसाब लगाते हो अर्निंग का, तो 1200 इंटू में 70, तो होता है 84,000 रुपये।
84,000 रुपये की मुझे स्पॉन्सरशिप आ रही है, भाई क्या पागल हैं क्या, हम भूसा बना हमारे दिमाग में, तो पैसे का लालच देते हैं आपको लेकिन इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो मैंने इनसे बात करी थी, आगे आगे करके कन्वर्सेशन पूरी करी, इनकी वेबसाइट के बारे में पता लगाया, और वेबसाइट के बारे में जो मैंने पता लगाया ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट आई थी ग्लेजी करके, ठीक है ग्लेजी, और इनका एमुलेटर ब्ला ब्ला ब्ला, और काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल वेबसाइट लग रही थी इनकी मुझे दिखने में, और लेकिन मैं इस चीज़ से जो कन्विंस नहीं होने वाला था। मुझे पता है काफ़ी इजीली फेक वेबसाइट बन जाती है, जैसे कि मैंने पहले भी काफ़ी बार इनकाउंटर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने एक चीज़ करी, मैं पता लगाने गया, तो मैंने फ्रेंड्स पता लगाना चाहा कि ये जो वेबसाइट है ना ये कितने टाइम पहले बनी है, क्योंकि अगर ये कंपनी ओरिजिनल कंपनी की वेबसाइट होती तो ऑब्वियसली इसको ना एटलीस्ट 1-2 साल तो होना चाहिए, ठीक है ठीक है। लेकिन जब मैं इसमें गया, मैंने इनकी वेबसाइट को सर्च मारा चेक करने के लिए, जैसे आप देख रहे हो, और मुझे कुछ जैसे पता लगा ना, ये जो वेबसाइट बनी है ये बनी है कितने पहले, 20 दिन पहले, और जब मैंने ये मेल खोला था वो था 10 दिन पहले, अब जाके 20 हो चुका है, और 10 दिन पहले की बात है तो 10 दिन और ऐड हो चुके हैं, तो 10 दिन ही हुए थे इस वेबसाइट को बने हुए। तो मुझे और ज़्यादा डाउट आने लगा कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है, एक तो ये पहले ही $1,200 मार रहे हैं, 80,000 1,00,000 रुपये मुझे स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं जो कि होना नहीं चाहिए, ऊपर से इनकी वेबसाइट भी 10 दिन पहले बनी है, तो मुझे और ज़्यादा डाउट हुआ। उसके बाद मैंने जो है चेक किया इनकी वेबसाइट के बारे में, मैंने कोई रिव्यू वगैरह ढूंढे ग्लेजी के ऑनलाइन, और मुझे जो है कोई भी रिव्यू नहीं मिला, तो और ज़्यादा डाउट हुआ कि भाई कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, यूट्यूब पे किसी ने भी कभी भी इस ग्लेजी नाम के वेबसाइट के बारे में कहीं नाम ही नहीं ले रखा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद मैंने फ्रेंड्स इनकी वेबसाइट में जाके देखा, और इनके मैं अबाउट सेक्शन में गया, यहाँ पे जो है मुझे काफ़ी सारे इनके एम्प्लॉयज़ दिखे, जैसे कि आप भी देख सकते हो, तो इनमें से मैंने जो है इनका सबसे पहला जो CEO है इसके बारे में सर्च किया गूगल पे, और जब मैंने पता किया ये जो CEO है ना इसकी जो वेबसाइट है वो glazy.com नहीं, वो है rainway.com, ठीक है। तो अगर आप देखते हो ना rainway.com को ध्यान से और glazy.com को ध्यान से, तो आप समझ जाओगे कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, दोनों वेबसाइट सिमिलर कैसे हो सकती है। तो अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था glazy.com में कोई भी लिंक काम नहीं करता ऊपर की तरफ, ना डिस्कॉर्ड ना यूट्यूब ना ट्विटर ना फेसबुक, अब आप इसमें जाओगे ना रेनोवे में सारे लिंक काम करते हैं, डिस्कॉर्ड काम करता है, यूट्यूब काम करता है, ट्विटर काम करता है, फेसबुक भी काम करता है, सब खुल गए इनके, तो ये मतलब ओरिजिनल है, इनकी है कुछ हिस्ट्री है, ठीक है ना। ये इनका ट्विटर है, ये इनका फेसबुक है, और ये इनका और डिस्कॉर्ड है, ठीक है ना। तो मैंने इनका ये चेक किया और मैं समझ गया ये फेक है। अब मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जो rainway.com है इनको भी अप्रोच किया मैंने, इनसे पूछा कि हाँ ये क्या है, ये क्या आपके कोई सेकेंड वो तो नहीं है कंपनी जिससे आप स्पॉन्सरशिप भेज रहे हो। जब मैंने इन्हें यहाँ पे मैसेज करके देखा यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इनको मैसेज किया था यहाँ पे, हे गाइस यूट्यूबर ब्ला 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 रिसीव प्रोमो फ्रॉम दिस वेबसाइट, और मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ये सेफ़ है या नहीं है, आप ही की है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने इनको जो है फ़ोटो वोटो भेजी थी इसकी और ये बताया था, तो इनका जब मेरे को रिस्पॉन्स आया ना तो पूरा मेरे को कन्फर्म हो गया ये वेबसाइट पूरी गड़बड़ है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो है यस दीज आर फिशिंग साइट्स, मतलब ये फिशिंग साइट्स हैं, कुछ हैकर वैकर हैकिंग करते हैं आपके यूट्यूब अकाउंट्स को, ये कन्फर्म हो चुका था। यहाँ पे अगर आप देखो प्लीज़ डो नॉट डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम हेयर, और वी हैव ट्वीटेड अबाउट दिस इन पास्ट, तो ये भी इस चीज़ के बारे में पास्ट में ट्वीट कर चुके हैं कि इन वेबसाइट से बचें, और ये चीज़ भी मैंने अपने खुद उसमें नोटिस कर ली और खुद चीज़ पकड़ ली, और मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही फ्रेंड्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी इन चीज़ों पर ध्यान दिया करो। अब यहाँ पे मैंने इनको फिर रिप्लाई करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स मेरे पे इनका एक और मेल आया था, अभी रिसेंटली आया था दोबारा से क्लाउड गेमिंग करके, उन्होंने मुझे दोबारा से भेजा था कि हेलो ब्ला 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 स्पॉन्सरशिप दैट, और मैंने जब देखा ना इन बंदों ने किन किन को भेजा है ये मेल सेम टू सेम, किन किन के अकाउंट ये हैक करना चाहते हैं मेरे साथ साथ, तो अब यहाँ पे आप देखोगे ना लिस्ट, देखो कितनी लंबी लिस्ट है यहाँ पे gamerspoint.com में जो मेरा है, यहाँ पे कान गुरु जी ब्ला 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 ब्ला, यहाँ पे पूजा भी है, पता नहीं कौन सी पूजा, मोबाइल एमुलेटर वाली पूजा हो सकती है पर कोई पक्का नहीं है, और बहुत सारे मेल्स हैं यहाँ पे इन सब के जो है यहाँ पे फिशिंग साइट के लिए यहाँ पे टारगेट करा इन सब बंदों को, और
मैं चाहता हूँ कि यार ये बंदे भी देखें यार, बचे रहें इनसे, जैसे मैंने इनको पकड़ लिया है, हो सकता है वो बंदे ना पकड़ पाएँ और इनके बंदे इनकी जो वेबसाइट है फेक वेबसाइट वहाँ से कुछ डाउनलोड कर लें, सेटअप वेटअप, और इनका जो अकाउंट इनके कब्जे में आ जाए कुछ मालवेयर वगैरह की वजह से, कुछ ट्रोजन या वायरस की वजह से। तो मैं नहीं चाहता फ्रेंड्स ऐसा हो, और इसलिए मैंने जो ये वीडियो बनाई थी। उतने सारे बंदे हैं, नमोकार गेमिंग का भी ऐसी कुछ हुआ होगा उनके साथ भी, कुछ मेरे को नहीं पता, कंफर्म तो नहीं हूँ, पर ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तभी उनका अकाउंट हैक हुआ है और तभी मैंने ये वीडियो बनाई है। और आखिरी में फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा मैंने ये वेबसाइट कैसे पकड़ी, और कुछ टिप्स हैं, टिप्स मैं जो आपको बताना चाहूँगा, क्या आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर आपको कभी स्पॉन्सर्ड मेल आता है तो उसमें देखो कि जो लिंक है उनकी वेबसाइट का हमेशा सिक्योर्ड हो, HTTP वाला जो है लिंक होना चाहिए उनका, ठीक है। सेकंड चेक जो है आपको करना चाहिए, वेबसाइट जो है ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर वंडर शेयर है तो वंडर शेयर में WO होना चाहिए, WO की जगह जो है जीरो ना हो, WOND, तो WO वाली जो है फेक है, तो उसको वहाँ पे आपको पकड़ना होगा। सेकंड थर्ड जो चीज़ है यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आप जो है अगर स्पॉन्सर आता है तो उनकी जो है अलग दूसरे रिव्यू, आपको कभी कहता है कि हमारा इस प्रोडक्ट का रिव्यू करो, तो चेक करो कि जो है इसके दूसरे रिव्यू किसी ने करे नहीं करे, एक सीधा जाके हाँ हाँ करके उनकी वेबसाइट में क्लिक मत करना, और हमेशा पहले जो है उनके दूसरे रिव्यूज़ चेक करना यूट्यूब पे है या नहीं है, कभी किसी ने करा नहीं करा, ठीक है। तो इस केस में इन्होंने कभी भी नहीं था यूट्यूब पे। तीसरी चीज़ जो है इनकी सेटअप जो है, अगर आप करते हो उसको, कोई आपको कहता है कि हाँ हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, तो सेटअप का साइज़ देखना। अगर मैं इनके सेटअप का साइज़ देखूँ तो यह है 700 KB के आसपास। अगर कोई सेटअप होता है ना एमुलेटर का भी, देखोगे एटलीस्ट यार MB से तो ऊपर होता है, 1 MB से तो ऊपर ही होगा यार एटलीस्ट, ठीक है। फायरफॉक्स का भी सेटअप होता है 1 MB से ऊपर, तो ये जो है मुझे KB का सेटअप भेज दे भाई, वायरस होता है यार KB में, इतना तो ऑब्वियस होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कभी भी कुछ भी डाउनलोड मत करना थोड़ा सा भी डाउट हो ऐसी चीज़ में। तीसरी चीज़ है कि वेबसाइट के चेक करो कब बनी है वो वेबसाइट, अगर वो वेबसाइट 1-2 दिन पड़ी है तो 1-2 दिन पहले बनी है वो वेबसाइट, तो पक्का भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। 1-2 दिन पहले वेबसाइट बनती है तो उसके बारे में आपको बिल्कुल चेक करना चाहिए बिल्कुल। और चौथी चीज़ है जो है कंपनी के बारे में चेक करो, हिस्ट्री निकालो उस कंपनी की, इस कंपनी की मैंने हिस्ट्री निकाली कुछ नहीं मिला भाई, रद्दी भर कुछ नहीं था इस कंपनी के बारे में, तो ये चीज़ जो है कंफर्म करती है कि ये वेबसाइट ओरिजिनल नहीं है, फेक है, इनसे दूर रहो। तो फ्रेंड्स एट द एंड में मैं कहूँगा कि ये बड़ी कोई तोप चीज़ नहीं बता रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपका अकाउंट हैक प्रूफ हो जाएगा समथिंग समथिंग, बट ये कि आप सेफ रहोगे इन चीज़ को फॉलो करके। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। तो फ्रेंड्स फिर वीडियो को जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो थी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर हेल्पफुल रही थी तो लाइक बटन दबा के मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप गेमिंग ऑन, हैव अ ग्रेट डे।